हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवाकर कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार ये जो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग चल रहा है मोबाइल फेंकने वाला वीडियो किस तरीके से बनाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से। उसके बाद सिंपली इसको ओपन करने के बाद आपको 9.16 का जो बॉक्स है बीच वाला उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से आपको बैक करके फिर से दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 9.16 का जो ये बॉक्स है उस पर क्लिक कर देना। इसके बाद सिंपली आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों कुछ मैंने इस तरीके का एक वीडियो शूट कर रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मैंने एक वीडियो शूट कर रखा है यार, तो आप लोगों भी इसी तरीके का एक वीडियो शूट कर लेना है। तो यहाँ पे जहाँ से मैंने अपना मोबाइल फेंकना स्टार्ट किया है दोस्तों, तो यहाँ से मुझे स्पीडी को सेलेक्ट करके वो ट्रिम कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन है ट्रिम टू प्ले ऑफ, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, जो ये पहला वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा वीडियो जो इतना है वो कट गया। उसके बाद दोस्तों सिंपली हमें क्या करना होगा, जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा वीडियो है दोस्तों उसे यहाँ पे ट्रिम कर देना है। इसको भी हम सेलेक्ट करके दोस्तों उसके बाद क्या करना है, ट्रिम टू सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो यार जो हमारा वीडियो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो सिंपली इसके बाद देख सकते हैं यार हमारा जो वीडियो है वो तैयार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, जहाँ पर ये मैंने अभी मोबाइल फेंका है, मतलब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है मगर जो मैंने मोबाइल फेंकने की एक्टिंग की है, सिंपली हमें वीडियो को वहाँ पर सेलेक्ट करना है और सीजर पर जाना है। और यहाँ पे जो ये स्प्लिट एट प्ले हेड का जो बीच वाला ऑप्शन है वीडियो को जो अलग कर देता है, तो इस वीडियो वाले इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसको सिंपली करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो को हमें वीडियो के ऊपर जाना है और यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा हमें दोस्तों यहाँ से क्या करना होगा, इस वीडियो को थोड़ा हमें कट कर देना है दोस्तों, जो ये एक्स्ट्रा वीडियो है। तो यहाँ से दोस्तों हमने वीडियो कट कर दिया है। और सिंपली दोस्तों उसके बाद करना क्या होगा दोस्तों, इस वीडियो का जो हमें स्पीड है वो हमें थोड़ा कम कर देना होगा, यहाँ पे 0.5 पे कर देना है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। तो उसके बाद सिंपली लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद दोस्तों मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन स्क्रीन का जो मोबाइल फेंकने वाला ग्रीन इफेक्ट है वो मैंने दे रखा है, तो यहाँ पर वो सॉरी मैंने लगा रखा है अपनी वीडियो में जो देख रहे हैं। तो आपको लिंक इसका आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली दोस्तों करना क्या है, सिंपली इस वीडियो को इस ग्रीन स्क्रीन को हमें क्रोमा की में जाना है और एनेबल कर देना है। तो यहाँ से जो ग्रीन कलर का था वो हट चुका है, तो यहाँ पे जो हमारा मोबाइल है वो आ चुका है। तो सिंपली हमें यार इस वीडियो को हमें एडजस्टमेंट कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे भी दोस्तों मेरा वीडियो जो है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वीडियो सेट करके यहाँ से हमें ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पर क्लिक कर देना है। तो यार जो हमारा वीडियो है वो कुछ फ़िलहाल रेडी हो चुका है। तो एक बार हम देख लेते हैं यार हमारा वीडियो कैसा बना है। दोस्तों अभी वो जो मोबाइल आप देख रहे हैं वो नीचे की तरफ से आ रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा यार, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो हम देखेंगे कि यार हम मैंने यहाँ पे मोबाइल फेंका है, तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैंने अपना मोबाइल यहाँ फेंका है। तो उसके बाद सिंपली हमें क्या करना होगा दोस्तों, मोबाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों वो मोबाइल को हमें इस तरीके से यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे जो हमारा मोबाइल वो आ चुका है, तो उसके बाद सिंपली हमें क्या करना होगा, फिर वीडियो को प्ले करके देखना है। तो दोस्तों अभी भी कुछ पीछे की तरफ आ रहा है हमारा जो फ़ोन है, तो यार उसको हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले लेंगे। तो यार जो देख सकते हैं ये हमारा वीडियो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या तो मेरे पास इतनी अच्छी लोकेशन नहीं थी हमारे, मैं इस तरीके से शूट नहीं कर पाया। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। तो यार वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर करना भाई के लिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।